हम आपको दिखा रहे हैं 21 मंत्री हैं जिनके पास 52 मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्री जिनके पास ज्यादा ज्यादा मंत्रालय हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, 5 कैबिनेट मंत्री जिनके पास 3-3 मंत्रालय है, क्या कुछ रैशनलाइजेशन हो सकता है, किसको क्या मिल सकता है, इन सब पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जानकारी आ रही है कि 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और इसी के साथ थर्सडे यानी परसों सुबह 10:30 बजे के आसपास। लेकिन गौरव जी, वो ट्रोल मंत्री कह रही थी कि एक ट्रोल मंत्रालय भी बना लीजिए। गौरव जी का शायद आवाज कट रही है। देखिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड अगर सवाल पूछा जाए कि क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा नहीं होगा, या फिर वही काम आए इनाम पाए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होगा, गौरव जी सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आ रही है, जवाब दीजिए। देखिए, जब ये कहते हैं नए नए मंत्रालय बना लो, तो ट्रोल मंत्रालय की बात करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले नेता तो राहुल गांधी है भारत में। और अंजना जी, मंत्रालय बढ़ तो जाए लेकिन इनको तो जो मंत्रालय है वो भी याद नहीं होते। फिशरीज मिनिस्ट्री इनको याद ही नहीं हुआ था राहुल गांधी को। अब बढ़ा देंगे तो उनको दिक्कत आएगी, 10-12 साल रटने में लग जाएंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रालय जब मंत्री शपथ लेंगे और बांटेंगे, तो मीडिया जो है, आपको याद है जब UPA 2 की सरकार आनी थी तो कुछ तथाकथित पत्रकार बता रहे थे कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और यहाँ पे तो योग्यता के आधार पे मिलता है। वहां पे गांधी परिवार की परिक्रमा कौन ज्यादा कर सकता है, चरण वंदना कौन ज्यादा कर सकता है, इसके आधार पे मिलता है। और जो मंत्रालय होते थे, मुझे याद है टेलीकॉम का मंत्रालय, जो टेलीकॉम की कंपनीज थी वही तय कर रहे थे कि कौन बनेगा। तो मतलब भ्रष्टाचारी कांग्रेस को आज दर्द तो हो गई, क्योंकि उनकी वसूली बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। और एक बात जरूर कहूंगा कि युवाओं को पूरी तरह से सम्मिलित किया जाए, महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं उनको, ये पर नजर और है। साथ में यात में साथ पर में नजर एक बात है, और अंजलि, यूपी पर नजर है, हमारी तो पूरी भारत पे नजर है। तभी तो कांग्रेस का ये हाल कर दिया है। केवल ईमानदारी आगे आएगी, केवल जो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वही आगे आएगा। वो नहीं आगे आएंगे कि उपनाम लगाया और एक परिवार से है और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ओहो, अरे बिल्कुल आइए, क्या हुआ? नमक 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 लेके आइए ना, डायबिटीज कराने तो वाली। आप सिंधिया जी को अपना रहे हैं, फिर ये उपनाम और ये टाइटल पे कहाँ फंसे हैं? ऐसा मत बोलिए, फंस जाइएगा। नहीं फंसेंगे, मेरे को समय देंगी, मैं उत्तर दूंगा। आप तो बाहें खोले हुए हैं सबके लिए कांग्रेस पार्टी से। सचिन पायलट जी आज आ जाएं, आप खुले बाहों से उनका स्वागत कर दीजिएगा, फिर एक विस्तार होगा। जल्दी से सुप्रिया जी, फिर दोनों पे मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगी फौरन प्रभु जी और शशि जी। अंजना जी, देखिए, इधर उधर की बात ना कर एक मुद्दे की बात करनी जरूरी है। जितना टैलेंट डेफिसिट इस मोदी सरकार में, इससे पहले शायद किसी सरकार में नहीं रहा होगा। और उसके थोड़े से उदाहरण दे देती हूं आपको। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, जब इंपोर्ट डेफिसिट हो गया, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बड़ी खराब चीज होती है, दिखाता आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उन्होंने कहा 18 साल में पहली बार इंपोर्ट डेफिसिट हो गया और उस पर ताबड़तोड़ ट्वीट करने लगे, नहीं समझे कि ये गलत चीज है। निर्मला जी से पूछिए, भैया प्याज के दाम बढ़ गए, वो कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, ये आपका सर दर्द है। आप हर्षवर्धन जी से पूछिए, भाई कोरोना काल की क्या तैयारियां है, वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, एंडेड लाइक बेकहम, बेंडेड लाइक बेकहम की बात करते हैं, डार्क चॉकलेट की बात कर लेते हैं। कृषि मंत्री कहते हैं किसान आ जाए हमसे, कानून को छोड़कर हम सारी बात करेंगे, भगवान जाने उसका क्या मतलब होता है। मुझे ऐसा लगता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बड़ा ही संक्षिप्त में बता देती हूँ। प्रभु जी ने बात कही थी कि समन्वय, समन्वय नहीं है, वो कहना नहीं चाह रहे, वो है जी हजूरी, वो है जी साहब जो कहेगा कि रात है दिन में, वही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेगा, यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक बात में छोटी सी अंजना जी, मैं एक जरूर कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेक्नोक्रेट से मोदी जी को परहेज है, चाहे वो उर्जित पटेल हो, अरविंद पाणगरिया हो, अरविंद सुब्रमण्यन हो, रघुराम राजन हो, सारे टेक्नोक्रेट से सरकार छोड़ के गए, रतन रॉय हो, ये सब छोड़ के गए हैं। क्यों गए हैं? टेक्नोक्रेट से प्रॉब्लम है। मैं फिर से कहूंगी, ट्रोल मंत्रालय, जिस जिसके सर पर तलवार लटकी हुई है वो ट्रोल बना हुआ है, एक ट्रोल मंत्रालय बना दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इस पूरे
इस पूरे प्रोसेस से। अगर अभी मैं आपसे दो मंत्रालयों के नाम पूछूंगी बता नहीं पाएंगे, बगले झांकने लगेंगे। मेरे कुलीग आपके साथ एक बार पहले ये कर चुके हैं। सिद्धू मैं फिर पूछती हूँ, सिद्धू जी के बारे में कुछ ये करने से होगा क्या? अगर ये करने से रोजगार बनेगा अच्छी बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना, तो आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, घबौखला रहे हैं।